दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव को सावन के महीने में जल क्यों चढ़ाया जाता है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। पौराणिक कथाओं में वर्णन हो आता है कि सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो अमृत और विष निकला, अमृत पीने के लिए देवता और राक्षसों में झगड़ा शुरू हो गया, लेकिन विष को पीने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। तब भगवान शिव शंकर ने विष को पीकर अपने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विष पीने से महादेव का कंठ नीला पड़ गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि सावन के महीने में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी अच्छी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।